पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश के नागरिक उड़यन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मुरादाबाद पहुंचकर कहा कि प्रदेश में तेजी के साथ विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली समेत कई जगहों पर हवाई सेवा की शुरुआत हो चुकी है। मुरादाबाद के लोग भी काफी समय से यहां से हवाई सेवा की शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुंडा पांडे में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दिसंबर के अंत तक एनओसी मिल जाएगी और इसके बाद नए साल पर जनवरी में मुरादाबाद से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास एजेंडे पर सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। 2022 के चुनाव में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनेगी। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का मुरादाबाद आगमन पर वैश्य महिला समाज की टीम द्वारा भी जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। उनके द्वारा एकता का महापर्व 2022 का आगाज किया गया। उनके साथ इस आगाज में वैश्य समाज ने कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की शपथ ली। इस दौरान सुनीता गुप्ता महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद वैश्य समाज के द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि एकता महापर्व 2022 में वो कदम से कदम मिलाकर नंद गोपाल नंदी के साथ चलेंगी। तो वहीं वैश्य समाज नंद गोपाल नंदी के साथ हमेशा चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैश्य समाज को आगे ले जाने का काम नंद गोपाल नंदी कर रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर सुनीता गुप्ता अपनी टीम के साथ आगे बढ़ती रहेंगी। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए लगातार पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात दे रहे हैं। हम सब ये जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, अपराधियों का समूल नाश हुआ है। आज हमारे पास भयमुक्त, माफिया मुक्त वातावरण है। इसको और कैसे तेजी मिले, इसमें और कैसे रफ्तार मिले, तो 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शक, उनके प्रेरक उद्बोधन हमें प्राप्त होंगे और भारत सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे और पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने का लक्ष्य है। अभी तक उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा मंडलों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। जिस तरह से लोगों के मन में उत्साह है, व्यापारियों के मन में उत्साह है, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि कार्यक्रम सफल होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।